अस्सलाम वालेकुम। आज डिफरेंट स्टाइल चना चाट बनाएंगे। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है, इमली और पुदीने की चटनी ली है मैंने 1/2 कप, और जर्दे का रंग लिया है 1 चुटकी, हरी मिर्चें हैं 2 चॉप की हुई, यहाँ पे हमारे पास नमक है 2 टेस्ट, चाट मसाला 1 टेबल स्पून भर के, और लाल मिर्चें हैं 1/2 टीस्पून, बेसन 2 टेबल स्पून, चने 2 कप बॉयल किए हुए, धनिया 1 कप, पापड़ी 1 कप, प्याज 1 कप स्लाइस में चॉप हुई हुई, आलू बॉयल हुए हुए 1 कप क्यूब्स में कटे हुए, और टमाटर लिए हैं हमने 1 कप। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम पानी डालेंगे 1 कप पानी, साथ में इसमें चला जाएगा बेसन 2 टेबल स्पून, और हम इसमें ऐड करेंगे ये जर्दे का रंग 1 चुटकी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने चूल्हे पर रख के इसको मिक्स नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसको चूल्हे पर रखा ये पकना शुरू हो गया तो फिर इसमें लम्स बन जाएंगे, वो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए आपने इसको पहले मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, और फिर हम इसको कुक करने के लिए रखेंगे। तो मैं इसको कुक करने के लिए रखने लगी हूँ। अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये हमारा जो मिक्सचर है वो गाढ़ा हो जाए। तो देखिए हमारा जो मिक्सचर था वो गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे, जिसमें हमारे पास है ये इमली और पुदीने वाली चटनी, हरी मिर्चें 2 चॉप की हुई, नमक, चाट मसाला और लाल मिर्च, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। इमली और पुदीने वाली चटनी के लिए मैंने इमली का गूदा लिया था 1/4 कप, उसमें आपने पुदीना डाला, धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली, लीमू का 1 रस डाला, और थोड़ा सा नमक और ज़ीरा डाल के आपने उसको ब्लेंड कर लेना है, तो ये आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। अब आपने इसमें मैं 1/2 प्याज डाल रही हूँ, 1/2 टमाटर, बाकी हम ऊपर से डालेंगे, आलू सारे चले जाएंगे इसमें, सारे आलू डाल दिए, 1 आलू था बड़ा उसको चॉप कर लिया था, यहाँ पर बॉयल किए हुए चने 2 कप इसको भी मैंने इसमें डाल दिया, और धनिया जो हो जाएगा 1/2 धनिया इसमें डाल देते हैं, बाकी हम ऊपर से ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसको भी आपने तकरीबन 5 मिनट जो है वो अच्छी तरह से कुक होने देना है, कि जो सारा जो जो ग्रेवी है और जो हर चीज़ है वो अच्छी तरह से चनों में भी मिक्स हो जाए, और उसमें चनों में आपके टेस्ट आ जाए। ठीक है, तो हम इसको कुक करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट। तो हमारे चने जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम इसके बाकी काम करेंगे, चूल्हा बंद कर देते हैं। जी तो चने जो हैं वो मैंने एक बॉल में निकाल लिए हैं चलो वाले मिक्सचर। अब हम इसके ऊपर बाकी चीज़ें डालेंगे, टमाटर डाल लूँ मैं, बाकी प्याज, धनिया थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा ऊपर डालेंगे, और ये पापड़ी, ये सारा कुछ डाल के, और आपने ऊपर थोड़ा सा और धनिया डाला, और ये हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई, मज़ेदार डिफरेंट स्टाइल के चने की चाट। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।